वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं व कोण की एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर इसको आकृति के माध्यम से समझेंगे। तो क्वेश्चन है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन यहां से समझते जाते हैं और साथ ही साथ चित्र में भी इसको समझते जाते हैं। तो देखिए यहां पर ए बी रेखा और सी डी रेखा है जो बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर से समझिएगा, रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और यदि कोण ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ सी, इस कोण की बात चल रही है ना, जो भी कोण होता है उसका नाम बीच में आता है। तो यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है कि कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई, मतलब ये वाला कोण, कोण बी ओ ई, इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों का जो योग है वो 70 अंश हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं कि और कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी की माप हमें दे रखी है कितनी भाई, 40 अंश। ठीक है, तो कोण बी ओ ई मतलब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, मतलब इस कोण का हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जिस भी कोण का हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस कोण को ज्ञात कर लेते हैं और उस कोण को 360 अंश में से घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती कोण बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रमेय 6.1 पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि जब दो रेखाएँ एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी देखिए कि ए बी और सी डी दो रेखाएँ हैं जो कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन रहे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना है, 40 अंश का, तो ये कोण भी कितना होगा, 40 अंश का। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी का जो योग है वो 70 अंश है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए कि जब ये 40 अंश आ गया ये वाला कोण तो ये कितना होगा भाई, 30 अंश, कितना होगा, 30 अंश। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला कोण तो बहुत ही आसानी से निकल कर आ गया बिना सॉल्व किए चित्र के माध्यम से, कि कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करने को आया था जो कि आ गया 30 अंश। ठीक है, अब रही बात कोण सी ओ ई की, तो हम पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं फिर हम इसका प्रतिवर्ती कोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब एक सीधी रेखा पर कोण बनते हैं तो ये टोटल कोण होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, कितना होता है भाई, 180 अंश का। अब ये कोण हो गया 40 अंश का, ये कोण हो गया 30 अंश का, तो टोटल हो गया 70 अंश। ठीक है, अब 180 में से हम क्या करेंगे भाई, 70 अंश घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 अंश, मतलब कोण सी ओ ई आया 110 अंश। ठीक है, लेकिन हमको इस कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो हम इजीली क्या करेंगे, 360 में से 110 अंश घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 250 अंश। ठीक है, और 250 अंश ही क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक, तो आई होप चित्र के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो चीज़ यहाँ मैंने आप लोगों को बताई है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो हल में हमें जो दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, तो मैं लिख देती हूँ, दिया है क्या, दिया है भाई कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई, हमें दे रखा है कितना, 70 अंश। ठीक है, और एक और चीज़ दे रखी है कोण बी ओ डी का मान हमें दे रखा है 40 अंश। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है उसको हमें लिख लेना है। ठीक है,
फिर हमें जो ज्ञात करना है उसको भी लिख देते हैं। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है भाई? हम लोगों को कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, मैंने चित्र में आप लोगों को जो जो चीज़ बताई थी उस चीज़ को हम यहाँ लिख लेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर, मतलब ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण हैं वो क्या होंगे? बराबर। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं कि कोण बी ओ डी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ सी। बराबर कितना होगा भाई? ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 अंश। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको, मतलब आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ लिखते हैं ना, तो उसका आपको रीज़न भी देना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीज़न दे देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, हमें एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि कोण ए ओ सी धन बी ओ ई बराबर कितना है? 70 अंश। तो जैसा कि मैंने आपको चित्र में समझाते वक्त बताया था कि ये 40 अंश है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग 70 अंश है, उससे हम इस बी ओ ई की माप निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो दिया है ना हमें उसको लिख लेना है, कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई बराबर क्या दे रखा है? 70 अंश। तो देखिए, इसकी हेल्प से हम कोण बी ओ ई की माप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कोण ए ओ सी कितना है भाई? 40 अंश, अभी अभी हमने निकाला है यहाँ से। ठीक है, धन कोण बी ओ ई बराबर है कितना? 70 अंश। अब हमें क्या करना है, कोण बी ओ ई की माप निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा? 70 अंश ऋण यहाँ से 40 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण बी ओ ई बराबर यहाँ पर 30 अंश। तो पहली चीज़ तो हमारी निकल कर आ गई, क्योंकि हमको बोला गया था कि कोण बी ओ ई की आप माप निकालिए। ठीक है, ये पहला कोण निकल गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा कोण हमें निकालना है। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो अपना ध्यान इस बात पर रखो कि हमें कौन सी चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी ओ ई निकाल लेंगे, फिर प्रतिवर्ती कोण तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से समझिए कि ये यहाँ पर टोटल कोण कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, तो इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, मतलब तीनों का जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब दो कोण तो हमें पता है, तीसरा कोण आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ ई धन कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ लिखते हैं ना, उसका हमें रीज़न देना होता है कि हमने क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, कोण ए ओ सी की माप कितनी है, 40 अंश या 40 अंश। धन कोण सी ओ ई हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण सी ओ ई, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, हमें नहीं पता है। और कोण बी ओ ई की माप है कितनी, 30 अंश, तो लिख देते हैं 30 अंश। बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ करके इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोण सी ओ ई बराबर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दे रही हूँ। ठीक है, आप एक स्टेप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 180 अंश ऋण 40 अंश, और 30 अंश होता है कितना, 70 अंश। ठीक है, तो यहाँ से कोण सी ओ ई का जो मान आया वो कितना आया, 110 अंश। लेकिन हमें यहाँ पर कोण सी ओ ई नहीं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है, और जहाँ भी आप लोगों को प्रतिवर्ती शब्द आ जाए ना, जिस भी कोण के आगे, तो आपको वो कोण, मतलब इस कोण को निकाल करके 360
अंश में से घटा देना है तो बहुत ही इजीली प्रतिवर्ती कोण निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर COE निकल कर आ गया है, अतः प्रतिवर्ती कोण COE निकाल लेते हैं, जो कि होगा 360 माइनस 110 अंश, तो यहाँ से आ जाएगा ये 250 अंश। ठीक है, या फिर मैं इसको इधर लिख देती हूँ, कोण COE प्रतिवर्ती, इसका मान आया कितना, 250 अंश। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं चित्र के माध्यम से एक और बार शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और हमने प्रमेय नंबर 6.1 में पढ़ा था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो हमें कोण BOD की माप दे रखी थी 40 अंश, तो शीर्षाभिमुख कोण लगा करके हम लोगों ने जो कोण COA या AOC है इसकी माप निकाली 40 अंश। ठीक है, इसके बाद इन दोनों कोणों की माप कितनी दे रखी थी, 70 अंश। तो आप ही लोग सोचिए कि ये 40 अंश आ गया तो ये कितना होगा, 30 अंश। ठीक है, तभी तो दोनों का योग कितना होगा, 70 अंश। ठीक, अब हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमने ये धन ये धन ये, मतलब इन तीनों कोणों का योग 180 अंश लगा करके कोण COE निकाल लिया। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कोण COE का मान आया तो हमने क्या किया, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 अंश में से 110 अंश घटा दिया, तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण COE निकल कर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं, फिर हम इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि रेखाएं XY और MN बिंदु O पर, ठीक है, ये है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY हमें दे रखा है कितना, 90 अंश, और कोण A और कोण B का अनुपात हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2:3, तो हमें C ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल फर्स्ट करवाया था और उसमें भी एक अनुपात वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस अनुपात को मान लेंगे कि माना कोण A 2x है और माना कोण B 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A कितना हो जाएगा भाई, 2x, है ना, हमें कुछ नहीं करना, जो अनुपात दे रखा है उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और b का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर केवल और केवल एक कोण ज्ञात करना है, वो कोण क्या है, c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जब भी एक सीधी रेखा पर कोण बनते हैं तो वहाँ पर एक कोण बने, दो कोण बने, तीन कोण या चार कोण बने, कितने भी कोण बने, सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी, कोण ए और POY का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें POY का मान तो दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में कि कितना, 90 अंश। ठीक है, तो जैसे ही हमें यहाँ पर कोण B और A का मान ज्ञात हो जाएगा ना, तो उससे होगा ये कि हम यहाँ पर रैखिक युग्म लगा करके कोण C का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पर कोण B का मान ज्ञात होगा, ठीक, तो उससे ये होगा कि MN क्या है, एक सीधी रेखा। ठीक है, और एक सीधी रेखा पर यदि एक किरण खड़ी हो तो वहाँ पर क्या बनता है, रैखिक युग्म, या उन दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है,
तो कोण सी और कोण बी का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। और हम यदि कोण बी का मान ज्ञात कर लें तो रैखिक युग्म लगाकर हम कोण सी का मान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो कोण का मान दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है भाई, कोण पी ओ वाई बराबर कितना 90 अंश। ठीक है, अब ए और बी को हमने 2x और 3x माना हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो माना कोण ए बराबर क्या है भाई 2x तथा बी बराबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है ये लगा देंगे। ठीक है, और हमें पी ओ वाई तो दिया हुआ है कि इसका मान कितना है 90 अंश। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण ए धन बी धन कोण पी ओ वाई का जो मान होगा वो कितना होगा 180 अंश। और मैं यहाँ पर रीज़न भी दे देती हूँ, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं और कुछ भी यदि यहाँ पर लिखते हैं तो हमें रीज़न देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है भाई 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए ए को हमने क्या माना हुआ है 2x, तो मैं यहाँ पर 2x लिख देती हूँ। धन बी को हमने माना हुआ है 3x, तो मैं यहाँ 3x लिख देती हूँ। और कोण पी ओ वाई का मान हमें दे रखा है 90 अंश या 90 अंश, तो यहाँ पर मैं 90 अंश लिख देती हूँ। ठीक है, और ये बराबर में कितना है 180 अंश। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको जोड़ लेंगे, तो 2x में 3x जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x धन यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश और यहाँ पर 180 अंश। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम पक्षांतर कर देते हैं, 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा 90 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 90 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आप इसका भाग दे देते हैं तो 5 एक कम 5 बचा 4 5 अट्ठे 40, तो कितना आया भाई 18 अंश। ठीक, ये तो आया x का मान, लेकिन इस x के मान से हम क्या करेंगे कोण a और कोण b का मान बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अतः कोण a बराबर कितना है भाई 2x, तो यहाँ पर 2 गुणा कितना हो जाएगा 18 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा ये 36 अंश। 18 दूनी कितना होता है 36 अंश। ठीक है, वैसे ही हम b का मान भी निकाल लेंगे, तो b बराबर यहाँ हो जाएगा 3x, तो 3 गुणा कितना 18 अंश, तो 18 तिया कितना होता है 54 अंश। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हमें a की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया, हमें ज़रूरत किसकी है इस b की। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे रैखिक युग्म, तो चलिए लगा देते हैं जिससे कि हमें जो कोण ज्ञात करना है C वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण B धन C बराबर कितना 180 अंश, क्यों भाई, कारण भी देना होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब कोण B का मान तो आ गया है कितना है 54 अंश, धन यहाँ से कोण C का मान हमें ज्ञात करना है और ये हो जाएगा 180 अंश। अब मैं यहाँ पर आगे ही लिख दे रही हूँ क्योंकि शायद नीचे दिखे ना। ठीक है, तो यहाँ से C का मान आ जाएगा 180 अंश और इस 54 अंश को हम यहाँ से घटा देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 126 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार कोण C का जो मान आया वो कितना आया 126 अंश, और यही चीज़ हमको यहाँ पर निकालना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर से समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ए और बी जो कोण है उसका अनुपात दिया हुआ था, और अनुपात जब भी दें तो आप उसके साथ में माना लगा करके यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए हो गया 2x और कोण बी हो गया 3x।
ठीक। और ये कोण तो हमें दिया हुआ था कितना 90 अंश, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, चाहे वहां पर दो कोण बने, तीन कोण बने या चार कोण बने। ठीक, तो यहाँ पर तीन कोण बन रहे हैं तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो इससे हमारा एक्स का मान निकल कर आ गया, और एक्स का मान जैसे ही निकला हम लोगों ने ए और बी का मान निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर रैखिक युग्म लगाकर इजीली सी का मान निकाल लिया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।